नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों महिंद्रा ट्रैक्टर सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर। दोस्तों अगर आप एक छोटे किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं और आप फसलें सारी करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक ऐसा ट्रैक्टर लेकर के आया हूँ जो आलू लगाने की मशीन के लिए स्पेशलिस्ट है। कैसे स्पेशलिस्ट है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कितना ये हमें ऑन रोड कॉस्ट करता है और क्या क्या फीचर्स हमें ऑफर करता है, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज आप आगे भी देख सको। सबसे पहले दोस्तों ट्रैक्टर के बारे में अगर बताऊं तो ट्रैक्टर जो होने वाला है आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाला महिंद्रा 275 DITU यानी कि 275 DITU यूवो सीरीज का ट्रैक्टर है। और पूरा जो लुक है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, रेड और येलो कलर की ग्राफिक के साथ में पूरा ट्रैक्टर आता है, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको PPMZIP और 6 साल की वारंटी के स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रैक्टर में। महिंद्रा 275 DITU का स्टिकर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब अगर दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर का 39 HP का बड़ा इंजन आपको मिल जाता है, जो 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क अपनी रेंज में सबसे ज़्यादा टॉर्क निकाल करके देता है ये ट्रैक्टर। अगर इससे ज़्यादा कोई ट्रैक्टर टॉर्क निकाल के दे दे तो मुझे बताओ आप, नहीं दे सकता। तो आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। बाकी अगर बात करें इसके सीसी के बारे में, तो आपको 2760 सीसी का बड़ा इंजन आपको मिल जाता है और 2200 रेटेड RPM पे पूरी पावर निकाल करके देता है ये ट्रैक्टर आपको। सो ये हो गया इंजन के बारे में, पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे बॉस कंपनी के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आपको इंजन आपको देखने को मिल जाता है। डीजल फिल्टर, ये पंप का सेटअप हो गया पूरा, अल्टरनेटर हो गया, सेल्फ स्टार्टर मोटर के साथ में यहाँ पे आपको दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे फाइबर का बड़ा ही स्मार्ट तरीके से आपको बॉक्स दे रखा है, टूल बॉक्स, जिसमें अपना कोई भी जरूरी सामान आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके टायर साइज में क्या कुछ मिलता है, टायर साइज में जो आगे के टायर्स हमें 6-16 के मिलते हैं, बात करें पीछे के टायर्स के बारे में तो पीछे के टायर्स हमें मिलेंगे 13-28 के, ये भी अपोलो के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बात करें आगे से चलें तो आगे से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। साक फिन के साथ में महिंद्रा के लोगों के साथ में काफ़ी बढ़िया हेडलाइट्स, काफ़ी बढ़िया फ्रंट व्यू हमें देखने को मिलता है ट्रैक्टर का, बहुत अच्छा लुक देखने को मिलता है। हेलोजन बल्ब के साथ में पूरा सेटअप है, H4 सीरीज के बल्ब लगे हुए हैं और साथ में क्रोम का एलिमेंट भी लगा हुआ है लाइट में, अंदर से रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहे, आपकी लाइट की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी रहे रात में जब आप काम करते हैं, रोड पर चलाते हैं, कोई भी आप रात में काम करते हैं तो बढ़िया आपको विजन मिले। साथ में अगर बात करें इसके जो ग्रिल आपको दे रखी है फ्रंट ग्रिल, वो भी आपको जाली दे रखी है, यहाँ पे पट्टियाँ दे रखी हैं जो कि आपको सिल्वर कलर की पट्टियाँ जो इसके जो फ्रंट बम्पर को अच्छा लुक देने की कोशिश कर गई है। बाकी लेफ्ट से राइट से और फ्रंट से ट्रैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा जा सके इसके लिए जाली दे रखी है, ट्रैक्टर जो होता है ठंडा चल सके और ठंडा जितना ट्रैक्टर चलेगा उतना ही ज़्यादा आपका डीजल कम लेकर के चलेगा, ये खास बात होती है, तो इसलिए आपको जाली दे रखी है प्रॉपर। और दोस्तों ये जो फ्रंट बम्पर आपको दे रखा है ये कंपनी फिटेड बम्पर आपको दे रखा है, काफ़ी बड़ा बम्पर है। अगर बात कर लेते हैं इस वजन के बारे में तो मेरे ख्याल से इसमें लगभग 1.5 क्विंटल के वजन टोटल वजन इसमें होगा, मैं इसके टोटल लगा करके, ठीक है। और एडिशनल अगर आप वेट लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, और वेट भी आप लगवा सकते हैं। जैसे आप आलू खुदाई या आलू लगाने की मशीन आप चलाते हैं तो दोस्तों इस ट्रैक्टर से आराम से आप ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर जो कि डबल बेड वाला आता है हमारा, वो भी आप इससे इस पर आसानी से चला सकते हैं। लोग चला रहे हैं किसान भाई, तो वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा जो किसान कैसे चला रहे हैं इस ट्रैक्टर पे, वो भी आपको जल्दी मिलेगा देखने के लिए। तो ये आपको मिलेगा फ्रंट व्यू। अब चलते हैं साइड में, साइड से अगर आप देखेंगे दोस्तों इस साइड से कुछ इस तरह का व्यू हमें देखने को मिलेगा ट्रैक्टर का, पूरा देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक है, छोटा ट्रैक्टर है और आपके काम के लिए बेहतरीन ट्रैक्टर है। दोस्तों यहाँ पे आपको महिंद्रा 275 TIDU की ब्रांडिंग आपको सेम आपको देखने को मिल जाएगी, वही आपको सेम ग्राफिक्स। और बात करें इसकी पावर स्टीयरिंग के बारे में तो पावर स्टीयरिंग आपको जो मिलेगी वो सिंगल सिलेंडर और डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, दोनों साइड में ऑपरेट होगा पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ से। और बैटरी का जो बॉक्स है दोस्तों बाहर आपको देखने को मिलता है और वो सभी ट्रैक्टरों में आपको बाहर ही मिलेगा देखने के लिए, तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए इस तरह से पीपल्स होगा स्टैंडर्ड, वही आपको देखने को मिलेंगे पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर मैं ट्रैक्टर के आपको बोनट को ओपन करके दिखाऊं तो पूरा जो बोनट है वो सिंगल पीस में आपको दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं पूरा। और जो इसमें देखो फीचर मैंने आपको बताया, 3 सिलेंडर का बड़ा इंजन है तो इंजन आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको ड्राई टाइप का, मतलब इतने छोटे ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आपको देखने को मिलता है, वो भी चोकिंग सेंसर के साथ में। अगर आपका एयर फिल्टर चोक भी हो जाता है तो आपके डैशबोर्ड में जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी कि भैया फिल्टर चोक हो गया, उसको साफ आप कर लीजिए। तो ये यहाँ पे दे रखा है काफ़ी सारे सेंसर और फ्यूज बॉक्स आपको यहाँ पे दे रखे इस तरह से, पूरा आप देख सकते हैं। इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से कुछ इस तरह का मिलेगा देखने के लिए, वही अल्टरनेटर वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। डबल पंप आपको दे रखे हैं, एक आपका पावर स्टीयरिंग का है, दूसरा हाइड्रोलिक का है, तरह से मिलेगा पूरा देखने के लिए आपको। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में, पीछे से कैसा कुछ और कौन कौन से फीचर हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा पीछे से देखने के लिए, वही आपको सेंटर डिपर्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए।
रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साथ में पानी की बोतल 2 लीटर की आपको देखने को मिल जाती है, वर्किंग लाइट हो गई, जब भी आपको काम पीछे करना है इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके पीटीओ एचपी के बारे में, कितना एचपी निकाल के देता है अपने पीटीओ पे, तो ये जो ट्रैक्टर है वो अपने पीटीओ पे 35 एचपी निकाल के देता है। 35 एचपी तक का कोई भी इंप्लीमेंट इसके पीटीओ से आप चला सकते हैं, चाहे आपका 7 फुट का रोटावेटर हो गया, कितना भी हैवी ड्यूटी रोटावेटर आप लेकर के आओ, आप आराम से इस ट्रैक्टर से चला सकते हैं। बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो कितना वजन उठा सकता है अपने लिफ्ट की मदद से, तो ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों वो 1600 kg यानी कि 16 क्विंटल वजन उठा सकता है अपने लिफ्ट की मदद से, बड़ी आसानी से उठाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिफ्ट भी पहले से एडवांस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेंसिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी तगड़ी आपको बढ़िया क्वालिटी की मेटा की हाइड्रोलिक मिल जाती है, जो कि ADDC टाइप का पूरा सेटअप मिल जाता है देखने के लिए। बाकी देख सकते हैं लिफ्ट का टॉपलिंग होल्डर आपको दे रखा है, ठीक है, टॉपलिंग यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको सिंगल ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखा है, जिसकी मदद से आप हाइड्रोलिक ट्रॉली वगैरह वो सारा कुछ आप इसे चला सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इसके रेयर एक्सेल के बारे में, तो दोस्तों इसका जो रेयर एक्सेल है वो स्ट्रेट है, पूरा सीधा है। और इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इस एक्सेल की वजह से ट्रैक्टर में पीछे से कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर के इंजन की आवाज़ के अलावा आपको ट्रैक्टर में और कुछ आवाज़ साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत ही साइलेंट, बहुत ही स्मूथली, बिल्कुल कार के जैसा इसका आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसमें थोड़ा सा SFC, अगर मैं आपको बताऊं इसको, इसकी SFC है 242 SFC आपको दे रखी है। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। एक 39 HP का ट्रैक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल करके देगा। अगर आप एक छोटे किसान हैं तो ये जो ट्रैक्टर है वो आपको प्रदान होने वाला है। सो दोस्तों ये था आज के इस ट्रैक्टर का वीडियो, महिंद्रा 275 DiTU PP का पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में कोई भी सवाल आपका रह जाता है तो हमें कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। 6.5 लाख रुपए में आप इस ट्रैक्टर को अपने घर लेके जा सकते हैं। मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो यहाँ पे बदायूं में कर रहा हूँ, कान्हा मोटर्स बदायूं, दादागली तराई की रोड पर पड़ता है दोस्तों। उन्होंने ये ट्रैक्टर मुझे दिया है वीडियो बनाने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इनका नंबर मैंने वीडियो में दे रखा है, इन पर कॉल करके आप ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में या किसी भी महिंद्रा के ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।